नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुल्तान ऑफ गजना या जिसे हम पॉपुलरली महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, उसके सोमनाथ मंदिर की अकूत लूट और उसके फलस्वरूप आने वाले समय में 3 से 5 करोड़ मुस्लिम की जो निर्मम हत्या हुई उसे मैं बताऊंगा और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो इतिहास का यह एक ऐसा घिनौना चैप्टर है जिसे अगर देखें तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कैसे इथियोपिया, सोमालिया और दूसरे अफ्रीकन देशों के लोगों को बंदी बना करके स्लेव के रूप में इस पेंसिला में बेचा गया, जिसे धार्मिक मान्यता और लगातार प्रोत्साहन अब्बासिद खलीफा ने दिया, राइट। तो उसके फलस्वरूप जो सामाजिक, सामरिक और दूसरे जो अनगिनत क्षेत्रों में व्यापार में इस समय जो चेंजेस आए उसे मैं आज नरेट करूंगा। एक बगदाद की हत्याकांड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं महमूद गजनी पे आ जाऊंगा और कैसे सोमनाथ की लूट ने और महमूद गजनी के उस आक्रमण के कारण आने वाले समय में 3 से 5 करोड़ दोस्तों मुसलमानों की निर्मम हत्या होगी। अपने एक शॉर्ट में आ जाते हैं, रिकैप में। समय है 29 जनवरी 1258, जगह है बगदाद और बगदाद पे 751 से लेकर के 500 साल के लंबे समय से अब्बासिद खलीफा का राज्य चल रहा है। एक ऐसा वैभवशाली शहर जिसके सामने आज का रोम, वेनिस और लंदन की वैभव भी कहीं बिसात नहीं रखती। विशाल शहर, 10 लाख वाला शहर, 60,000 की स्टैंडिंग रॉयल कैवेलरी और आर्मी, फोर्टिफाइड चारों तरफ चार दीवारियों से सुरक्षित, संरक्षित। और याद रहे दोस्त, 500 सालों का अब्बासिद खलीफा के द्वारा शांति और स्थिरता के कारण जो व्यापारी के केंद्र बना, जो ये एजुकेशन का हब बना, जो ये ज्ञान का, मतलब मुस्लिम उम्मा के हिसाब से ये गोल्डन एज था। लेकिन मैं इसे कहूँगा कि व्यापार के साथ साथ लगभग उस समय के आधे विश्व के लूट का पैसा भी यहाँ इकट्ठा हुआ था। उस बगदाद को महीनों के नेगोशिएशन के फेल हो जाने पे मंगोल कमांडर हलागू पूरे शहर को घेर लेता है। 5वें दिन खलीफा के कहने पे शहर के गणमान्य लोग, इमाम और 3,000 व्यापारियों का समूह हलागू को मिलता है, उसे बहुत सारे भेंट, सौगात, अमूल्य चीजें देता है। हलागू नहीं मानता और सभी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अगले दिन खलीफा की रॉयल कैवेलरी संख्या में 20,000 मंगोलों पर चार्ज करती है और कुछ घंटों की लड़ाई में पूरे शहर के सामने मंगोलों द्वारा काट डाली जाती है। इतना विशाल भव्य शहर 500 साल का अब्बासिद खलीफा का लगातार राज्य, एक सिंबल, पावर का सिंबल, स्थिरता का सिंबल, इतना वैभवशाली शहर महज 10 दिन के शॉर्ट ड्यूरेशन में हार जाता है। मंगोल 3 दिन बाद प्लानिंग करके घुसते हैं और पूरे बगदाद शहर को कुछ दिनों के अंदर लास्ट मैन तक कत्ल कर दिया जाता है। खलीफा का हरम जो 6,000 के ऊपर था, उसके महिलाओं को, बच्चियों को, बच्चों को अंतिम व्यक्ति तक मार डाला जाता है या उन्हें गुलाम की तरह कौड़ी के सैनिकों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको लगेगा कि इसका इससे क्या प्रयोजन है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब अपने आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक महमूद गजनवी पे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, बसरा की 883 तक चली 15 साल की लड़ाई के बाद में ये स्लेव्स धीरे धीरे आगे सिल्क रूट के छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव, कस्बे और व्यापारिक केंद्रों पर अपना अधिपत्य जमाने में सफल रहे। उसमें से एक परिवार था अपना महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी गजनी में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में 997 में गद्दी पे आया और 998 से लेकर के 1010 तक उसके अलग अलग मुस्लिम शासित व्यापारी केंद्रों और राज्यों पर अटैक हुए, जिसमें मैं आपको एक व्यू दे दूंगा कि आज का अफगानिस्तान में देखें तो मजारे शरीफ गजनी से महज 370 किलोमीटर दूर था, हेरात 580 किलोमीटर दूर था, कंदहार 285 किलोमीटर, काबुल 150 किलोमीटर, मरो जो सबसे दूर का सेंट्रल एशियन का एरिया था 1280 था, और मुल्तान जो ज़्यादा इंडिया की तरफ पड़ता था 650 किलोमीटर था, जिसपे अंत तक शाही डायनेस्टी का कंट्रोल रहा। दिल्ली वहाँ से महज 1000 से 1050 किलोमीटर दूर था। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि धनाढ्य होने के बावजूद मुल्तान से आगे वो बढ़ नहीं पाया और सेंट्रल एशियन मर्व जो 1280 किलोमीटर दूर था वहाँ तक उसने कब्जा कर लिया। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी तक रहा साहब भी सिल्क रूट का व्यापार एकदम ठप हो गया, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा चाइनीज एम्पायर को, क्योंकि व्यापार कम हो जाने से आज के मंगोलिया और मेनलैंड चाइना सस्टेन न कर पाया और उस पर चंगेज खान का कब्जा हो गया। चंगेज खान मुस्लिम नहीं था, ये याद रखिएगा, चंगेज खान नेचुरलिस्ट था, प्रकृति का पुजारी था, जो मेनलैंड मंगोलिया से आता था। चंगेज खान के इनिशिएटिव पर 300 व्यापारियों का स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन और कारवां सिल्क रूट पर चालू हुआ व्यापार के लिए, और उसके ओडरार शहर तक पहुंचते पहुंचते कारवां को पूरा लूट लिया गया और सभी व्यापारियों को मार डाला गया। याद रहे बेटे कि ये रूट इतना 17 से 21 देशों में पास होने वाला रूट ध्वस्त हो चुका था इन स्लेव्स और उनके ट्रेडिंग सेंटर में पेनिट्रेशन के हिसाब से। उसके सामने इंडिया का व्यापार तो लगभग चलता ही रहा, इंटरनल व्यापार और इवन सिल्क रूट तक पहुंचने का व्यापार जो प्रॉफिटेबल था वो चलता रहा। अब बारी आई चंगेज खान की। चंगेज खान उस रूट को चालू करने के लिए, देखिए इतिहास क्या कहता है उसे एक बार साइड में रख दें, लेकिन जो उस समय के समकालीन ट्रैवलर्स थे उनके जो मेमोइर्स हैं उसे अगर ध्यान से पढ़ें तो अपने मालूम पड़ता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक रूट चालू करने के लिए चंगेज खान की एक तैयारी थी। तो सबसे पहले वो एंटर करता है फरगाना वैली, जो उस समय के अच्छे ब्रीड के घोड़े और फर्टाइल लैंड के लिए मशहूर था। पूरा फरगाना वैली उजाड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पर ओटार का आता है, जहाँ उसका कारवां लूटा गया होता है। ओटार 40,000 स्टैंडिंग आर्मी से प्रोटेक्टेड होती है, उसे भी पूरा तहस नहस और ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ के सूबेदार के आँख और कान में पिघली हुई चांदी डलवा दी जाती है। दूसरे नंबर पे उसके बाद ओटार से आगे बढ़ते हुए वो बुखारा आता है। आपको सरप्राइज होगी कि ओटार गिरने के सेम डे 300 माइल रात को कवर करके 20,000 की चंगेज खान की आर्मी बुखारा में घुस जाती है और यह एक भव्य शहर से महज कुछ घंटों की लड़ाई में हार जाता है। यह एक बहुत बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटती है। चंगेज खान जैसा सक्सेसफुल रूलर एंड कमांडर वॉरियर, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी सेनापति से नहीं की जा सकती, वह शहर में दाखिल होता है।
गणमान्य सभी मौलवी इमाम व्यापारियों को बुलाता है और दुभाषी के थ्रू लेक्चर देता है कि पिछले इतने वर्षों से जो तुमने व्यापार को तहस नहस किया है, जो लोगों को आपने निर्मम लोगों को दंड दिया है, उन्हें गुलाम बनाया है, और जो तुमने इस सिल्क रूट की हालत की है उसे दंड देने के लिए मुझे ऊपर वाले ने आपको भेजा है, इसलिए उसे कहरे खुदा या रेस ऑफ गॉड कहते हैं। ये अनप्रिडिक्टेड है। व्यापार खत्म होने से राज्य कैसे हिल जाते हैं इसका एक नमूना है। बुखारा से वो आगे बढ़कर के समरकंद आता है। समरकंद 1,00,000 से 1,10,000 सैनिकों से सुरक्षित शहर था और उस समय का एक भव्य, अति भव्य शहर था जिसकी भव्यता मतलब कोई समझ नहीं सकता। वहाँ पे रिफ्यूजी और डायरेक्ट जो डिसेंडेंट थे ऐसे 9.5 लाख लोगों को मार दिया जाता है। 50,000 आर्टिजन और स्किल्ड लेबर को गुलाम बना करके आगे के कैनन फॉडर की तरह यूज किया जाता है। तो दोस्तों बुखार समरकंद से फिर वो आगे बढ़ता है निशापुर, और कुछ रिसर्च पेपर और इनके हिसाब से निशापुर और उसके आसपास मंगोल 74 लाख लोगों की निर्मम हत्या कर डालते हैं। छोटे गांव, शहर, खेती सब उजाड़ते हुए निशापुर से वो गुरगंज पहुंचते हैं। गुरगंज का मैं एक विभस स्वरूप बताऊंगा कि वहां के 50,000 मंगोल आर्मी को प्रति सैनिक 24 जन की हत्या करने का टारगेट दिया रहता है। मतलब गुरगंज जो व्यापारिक केंद्र था उसका और उसके आसपास 12 लाख लोगों की हत्या हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं मर्व को भी पूरा लास्ट मैन तक खत्म कर दिया जाता है, राइट। मर्व को दोस्तों अगर समझना हो तो इसे पुराने जमाने में अलेक्जेंड्रिया भी कहते थे। वहाँ से फिर ये हैरात आते हैं। हैरात भी बुरी तरह सरेंडर करने के बावजूद खत्म कर दिया जाता है। हिस्टोरियन यहाँ तक कहते हैं कि सैकड़ों सालों बाद जब मुगल हैरात पर कब्जा करते हैं तो मेन मस्जिद में कुछ लोग ही इकट्ठा होते हैं, उसे इतना उजाड़ दिया जाता है। वहाँ से ये बामियान वैली होते हुए दोस्तों एक समझिए कि यह एक ऐसा त्रासदी था जिसमें शहर के शहर, गांव और पूरे देश को उजाड़ दिया गया। रीजन क्या था? कुछ शहरों ने सरेंडर किया तब भी उन्हें मार दिया गया, कुछ शहरों के बागियों ने उनको सपोर्ट किया उनको भी मार दिया गया। क्यों? क्योंकि अब्बासीद खलीफा के द्वारा जो धूर्तता और अंधकार फैलाया गया था उसे दूर करना बहुत जरूरी था। अब दोस्तों ये लगेगा कि भाई उस समय का जो रूलिंग क्लास था उनको एन मास या तो मार दिया गया उस समय का, इवन वो मुस्लिम भी थे तब भी उनको या तो मार दिया गया इनस्लेव्ड डायनेस्टीज के द्वारा, उनकी औरतों को, लड़कियों को बंधक बना लिया गया, सेक्स स्लेव बना लिया गया, उन्हें व्यापार के रूप में बेच दिया गया। ऐसे घिनौने काम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी तक लगातार चलता रहा। अब्बासीद खलीफा का दोष क्या था? अब्बासीद खलीफा उसे अपना धार्मिक जामा पहना करके उनकी सफलता को, उनको अलग अलग लाइनेज, उनको अलग अलग पदवियां, खिल्लत और एक बढ़ावा देता था। उसको दंड देने के लिए मंगोल आए थे। दोस्तों एक चीज समझिए, मेन खान मुल्तान के आगे लाहौर तक आए थे। अगर इनकी मनसा हत्या या लूट या बड़े बड़े साम्राज्य को गिराना होता तो ये दिल्ली पर भी आते, लेकिन कम पॉपुलेशन वाले ट्रेडिंग सेंटरों को एस्टेब्लिश करने के लिए ही निकले थे। इसलिए आप देखेंगे अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे कि 13वीं शताब्दी के अंत तक मंगोलों का इंडिया पे कोई अटैक नहीं हुआ, और जो अटैक हुआ वो मंगोलों के फ्रिंज एलिमेंट जो बाद में मुस्लिम बन गए थे उनके द्वारा हुआ लूट के उद्देश्य से। लेकिन चंगेज खान या उसके वंशज कुबलाई खान तक
इंडिया पर कोई मेजर या माइनर अटैक भी नहीं हुए। तो इतिहासकार जो उन्हें मतलब मर्डरर या डिस्ट्रॉयर कहते हैं वो कुछ अंश में सही है, लेकिन वो 100% ट्रुथ नहीं है। वो उस समय के जो व्यापारिक केंद्र पे जो लूटर्स, फ्री बूटर्स, मशीनरी आर्मी और लोगों का अत्याचार चला, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उनका एक लंबा एक्सपेडिशन था। और समाज इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका था। अब अपने आ जाते हैं महमूद गजनी पे। महमूद गजनी खुद भी एक मामलूक स्लेव था जैसे मैंने बताया, और उस समय का मुस्लिम उम्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर उसे एक्सेप्ट किया होता तो उसकी लाइनेज काफ़ी साल तक चलती। उसके मरने के महज 10 साल के अंदर ही गजनी दो बार अटैक हुआ, तहस नहस हुआ, और उसके वंशज के हाथों से 90% गजनी का मूल साम्राज्य चला गया। दोस्तों, महमूद गजनवी ये आपका साम्राज्य, आज का आधा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कास्पियन सी तक फैला हुआ था। लेकिन अगर पॉपुलेशन देखें, रिसोर्सेज देखें, तो ये ज़्यादा करके लूट मार से बनाया हुआ साम्राज्य था, जिसको फ्यूल किसने किया? अब्बासिद खलीफा। और उसके कारण निर्दोष प्रजा को आने वाले समय में कैसे दंड मिला वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये महमूद गजनवी का जो सोमनाथ टेंपल की लूट थी उसके बारे में समझिए कि वो प्लानिंग करके, को उस जमाने का वो बहुत सफल जनरल था, उसने प्लानिंग करके अनप्रोटेक्टेड वेल्दी सिटीज और धार्मिक स्थानों को ही टारगेट किया। क्यों? क्योंकि उसको अपने सेंट्रल एशियन साम्राज्य को बनाने के लिए मशीनरी आर्मी को पे करने के लिए काफ़ी पैसा चाहता था। धंधा रोज मतलब व्यापार तो वहाँ ख़त्म हो चुका था, तो उसे पैसा चाहता था। वह पैसा इजीली सोमनाथ टेंपल से उसे मिला, 1025, याद रखिएगा सर, 1030 में उसकी मृत्यु हो गई, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, 50,000 मुस्लिम स्टूडेंट के हिसाब से लोग कत्ल कर दिए गए, 4 करोड़ से 400 करोड़ स्वर्ण दिनार उसे उस लूट से मिला। लेकिन दोस्तों याद रहे, 7वीं सदी में मुस्लिम उम्मा के खड़े होने के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी तक भयंकर लड़ाइयां चली हैं, जिसमें सिंध को छोड़ करके हिंदुस्तान में पेनिट्रेट करना इन जनरल्स को बहुत ही मुश्किल रहा, नहीं कर पाए। अब्बासिद खलीफा 751 में बगदाद में अपनी सत्ता बैठा चुका था, लेकिन अब्बासिद खलीफा के द्वारा प्रायोजित मशीनरी आर्मी, स्लेव आर्मी और फ्रिंज एलिमेंट लगातार इंडिया पे अटैक करते रहे। काफ़ी हद तक अटैक अघोषित अपराजित रहे, लेकिन 99% जो लड़ाइयाँ थी वो अपने इंडियन रूलर्स ने जीते। यही कारण है कि इंडिया में इतनी मार काट न हो सकी जितनी, मैंने जो 17 देश गिनाए जो सिल्क रूट पे आते थे, आज का अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इनमें सीरिया, लेबनान तक हुआ, अकल्पनीय था। मतलब पूरे शहर के शहर उछाड़ दिए गए। यह पहली सदी थी कि जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन 25 से 35% डाउन हो गया। मानव इतिहास का 13वीं शताब्दी एकमात्र शताब्दी है जिसमें इतनी भारी मात्रा में जनसंख्या में गिरावट आई, और कुछ देश, कुछ प्रदेश और कुछ शहर खड़े ही नहीं हो पाए, और आने वाले 300 साल तक उस पॉपुलेशन लेवल पे नहीं आ पाए। तो रीजन क्या था? महमूद गजनवी का सोमनाथ का अटैक। कैसे? जिस रूट से वो आया था, डर के मारे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस न करना पड़े, इसलिए उसने थार के डिजर्ट से वापस जाने का प्लान बनाया। ये इतना ट्रेचरस रूट था कि उसमें उसके हजारों मशीनरी आर्मी और उसकी रेगुलर आर्मी मारे गए, जिनको उसने कंपनसेट नहीं किया प्रॉपरली। फलस्वरूप आने वाले
कुछ महीनों और कुछ सालों में ही मर्व से लेकर के निशापुर अलग अलग जगहों पर जो मैंने किलोमीटर आपको बताए थे रिवोल्ट शुरू हो गए, और उसके बाद किसी भी शहर पे महमूद गजनवी का मेजर अटैक नहीं हुआ। वह उन रिवोल्ट को दबाने में ही टीबी से ग्रसित होकर के 1030 में मर गया, और 1040 तक 10 साल जो सक्सेसफुली उसके परिवार वालों ने जो रूल किया उसमें उनके 90% एरिया दूसरे लोग मतलब मामलुक्स ने कब्जे कर लिए, और लूट का पूरा खजाना लाहौर कर भेजने की प्रोसेस में उसी के मशीनरी आर्मी और रेगुलर आर्मी ने लूट लिया। तो ये जो लूट अकूत लूट थी सोमनाथ की, उसे आप श्रापित समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, या महादेव का एक कर्ज समझ लीजिए, आने वाले समय में जो मैंने बताया इस तरह की जो त्रासदी हुई, भयंकर हत्याकांड हुए इतिहास में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सैका बगदाद या इन शहरों का जो मैंने नाम दिया उनकी खाली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 3 से 5 करोड़ निर्दोष मुस्लिम प्रजा सिर्फ और सिर्फ महमूद गजनवी की सोमनाथ लूट और उस लूट को धार्मिक स्वरूप और ये देने का जो अब्बासीद खलीफा की परंपरा रही थी उसके कारण इतने लोग निर्दोष मारे गए। इतिहास को सही ढंग से समझना है तो इतिहासकारों के अलावा आप जो उस समय के समकालीन ट्रैवलर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट के पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे इब्न बतूता जो 1,17,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, या मार्को पोलो जो उस समय के हिसाब से 24,000 किलोमीटर जो आज का पूरा यूरोप और सिल्क रूट होता है उसे कवर किया, या हेन फे जो उस जमाने में 50,000 किलोमीटर किया। और देखने की बात ये दोस्तों, ये तीनों ट्रैवलर अपने लाइफ टाइम में उस जमाने में 65 से 69 साल तक जिए, तो उनके प्रमाण को जो है अगर बायस भी समझें तो भी बहुतारा उम्र के हिसाब से संयम से उन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ ही नहीं रुकता हूँ मैं कि ये ट्रैवलर्स की मेमोयर और जो मैंने नरेट किया, मैं अगेन कहता हूँ कि मंगोल्स अगर खून के प्यासे होते, निर्दोष प्रजा के को मारने में उन्हें आनंद आया होता, या वो लुटेरे सिर्फ होते तो वो जरूर इंडिया की तरफ आए होते, क्योंकि जिन शहरों का मैंने नाम लिया है वो उस समय के शहर दिल्ली से कहीं ज़्यादा विशाल, बड़े व्यापारिक केंद्र, सामरिक केंद्र और सामाजिक उत्थान के प्रतीक थे। गोल्डन एज था, ये कोई शहर 5 लाख से 10 लाख के नीचे आबादी वाले नहीं थे। और बगदाद तो जैसे मैंने कहा कि 500 साल का आधे विश्व का व्यापार और लूट का सामान वहाँ पड़ा हुआ था, फिर भी उनको दंड देने के लिए, और जो एक गलत ट्रेडिशन आ गया था कि धर्म आधारित लूट को, मर्डर को, स्लेव बनाने को जो जायज ठहराया गया था, उसके सामने चंगेज खान जो मंगोलिया का बहुत बड़ा शासक और वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा विजेता होगा कि जरा दंड था, जिसका रूट कॉज महमूद गजनी की सोमनाथ की लूट थी। न उसे इतना आपको धन मिलता, न वो ट्रेचरस रूट से वापस जाता, न उसकी सेना के इतने लोग मारे जाते, और उसने जो गलतियां की उन गलतियों के कारण उसका साम्राज्य भी नहीं टिक पाया, राइट। तो आज के दिन इतना ही, अगले में मैं बताऊंगा कैसे ब्लड सिल्वर मतलब खून से सने हुए चांदी के कारण मुगल अंपायर का सर्वनाश हुआ। जय हिंद, जय भारत।